We have with us Dr. Anuj, a microsurgeon and a very famous author. So welcome to 10 News. Thank you. Sir, please brief us about your book, Erotic. That Erotic Silence. Yeah. ये देखिए ये बुक मेरे प्रोफेशन से काफ़ी अलग हटके है क्योंकि मैं एक हैंड सर्जन हूँ माइक्रो सर्जन हूँ तो ये बुक का जो टॉपिक है वो मेरे प्रोफेशन से तो अलग है लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें मैंने एक ऐसी चीज़ को छुआ है, एक चाइल्ड साइकोलॉजी को छुआ है जिसमें कि एक बच्चा 3 साल का जब वो था और जब वो 17 साल का हुआ तो इस बीच इस अंतराल में वट एवर उसको सेक्शुअल एक्सपीरियंसेस हुए, जो उसने देखा, जो उसने महसूस किया, और उस वक्त में जबकि मीडिया पॉपुलर नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ 60s की और 70s की, जब सिर्फ सिनेमा हुआ करता था, तो उस बच्चे ने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या उसकी साइकोलॉजी पर इफेक्ट पड़ा और उसने कैसे सोचा सब चीज़ों को। इसमें सिगमंड फ्रॉयड एक हुआ है, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने कि चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी सारी थियोरीज लिखी, तो ये जो बुक है ये उसी के ऊपर बेस्ड है। सर, आपकी अभी नई बुक अनन्या भी आई है, उसके बारे में भी सर थोड़ा। हाँ, बेसिकली मैं क्योंकि एक बहुत इमोशनल और सेंसिटिव इंसान हूँ तो मैंने जो दूसरा सब्जेक्ट चुना अनन्या, वो भी एक छोटी सी लड़की की कहानी है जिसमें फादर और डॉटर रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। इसमें बच्चे की माँ खो गई है और बच्चा थ्रू आउट अपनी माँ को ढूंढना चाहता है, तो वो उसके बीच में जो उसकी साइकोलॉजी चलती है, क्या उसके मन में फीलिंग्स आती हैं अपने मदर के लिए और फिर फादर के लिए, तो ये उस बुक उसके ऊपर है। सर, बात करी जाए आपके प्रोफेशन की तो एक माइक्रो सर्जन, सर क्या परेशानियां हैं जो इस प्रोफेशन के लिए सामने हैं? देखिए परेशानी सिर्फ एजुकेशन की है। बच्चे काम करते हैं खेतों में, आदमी काम करते हैं खेतों में, मशीनों में काम करते हैं, तो उनका हाथ कट जाता है। अब उन बेचारों को ये नहीं मालूम कि हमको इस हाथ को उठाकर क्या करना है। वो इधर उधर लेके किसी वैद्य के पास भागते हैं, कहीं भागते हैं, कोई उसमें गोबर लगाता है, कोई उसमें मिट्टी लगाता है, और वो हमारे पास जब आता है उसको लेके फाइनली तो 10 घंटे हो जाते हैं, कभी एक एक दिन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हम एजुकेट करना चाहते हैं थ्रू योर हेल्प, मीडिया से और कैसे भी, कि इन लोगों को एजुकेट किया जाए कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है, अंग भंग होता है या कुचल जाता है, तो उसको आप एक, हाँ बिल्कुल, पूरा का पूरा जुड़ सकता है। सो 3 से 4 घंटे के अंदर उसको आप प्रॉपरली डॉक्टर्स के पास लेके आएँ। माइक्रो सर्जरी हम लोग सब करते हैं, कई अच्छे सेंटर्स पे हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, तो ये एजुकेशन की कमी है। और दूसरी कमी जो है वो ये है कि सरकार ये मेजर्स ले कि वो एक्सीडेंट्स ना हो। जैसे थ्रेशर की मशीन है उसमें हाथ चले जाते हैं, तो वो हाथ नहीं जाने चाहिए, इतने कीमती हाथ होते हैं, उसमें प्रोटेक्शन लगाएं जिससे कि वो ना जाए। तो ये चीज़ है इसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। थैंक यू।